आज है धनतेरस का त्योहार और आज के दिन आप क्या खरीदें, क्या नहीं खरीदें, क्या करना है आपके लिए शुभ और क्या करना है आपके लिए अशुभ, कौन सी चीज़ें आप खरीद करके जो है आज अपने घर में ला सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या वस्तु हैं जिनको आपको नहीं खरीदना चाहिए, है ना। क्योंकि धनतेरस के लिए एक बात बोली गई है ना कि आज के दिन कुछ ना कुछ खरीद के जो है घर में ज़रूर लाना चाहिए, लेकिन आप क्या कुछ खरीद के ला सकते हो। जो जग जाहिर है वो तो ये है कि आज के दिन लोग जो है कोई भी नया बर्तन खरीदते हैं, चांदी का सिक्का खरीदते हैं, लेकिन उसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खरीद सकते हैं और आपको खरीदनी ही चाहिए। धनतेरस के दिन आपको नमक ज़रूर खरीदना चाहिए, है ना। और उस नमक को खरीद करके आपने करना क्या है, उस नमक को खरीद के आप रख लीजिए और दिवाली वाले दिन आपने इसी नमक से अपने घर में पोछा लगवाना होता है। और क्या खरीद सकते हैं आप सोने की चांदी से बनी धातुएं, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, कुछ भी अगर आज के दिन खरीदना चाहते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। आज के दिन जो है आपको झाड़ू भी खरीदनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू को क्या कहा गया है, लक्ष्मी का स्वरूप बोला जाता है ना। तो झाड़ू अगर आप खरीद के ला रहे हो मतलब लक्ष्मी को अपने घर में लेकर के आ रहे हो, तो आज के दिन आपको झाड़ू भी खरीदनी चाहिए। चौथी चीज़ क्या खरीद सकते हैं आप, धनिया। जी हाँ, धनिया भी आपको आज के दिन ही खरीदना है, जो आप आगे चल करके लक्ष्मी पूजा में जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि धनिया जो है वो भी लक्ष्मी माँ को बहुत ही प्रिय होता है, जिसकी खरीदारी आपको धनतेरस वाले दिन ही करनी चाहिए। और वैसे भी अगर आपने सुना हो, धनिया जो है उसको बताया भी गया है कि धनतेरस है वो किसका त्यौहार है, उसके जो मेन देवता है वो कौन बताएंगे, भगवान धन्वंतरी, है ना। तो धनिया जो है उनको बहुत प्रिय होता है और वो हेल्थ के भी देवता हैं, आयुर्वेद के देवता बताए गए हैं। तो आज के दिन अगर आप धनिया खरीद के लाते हो तो इससे जो भगवान धन्वंतरी हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अब कौन सी चीज़ें आप ना खरीदें, है ना, अवॉइड करनी चाहिए। जाने अनजाने हम तो बाहर खरीदने के पर्पज़ से गए हैं, हम कुछ भी खरीद करके ले आते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको आज के दिन चमड़े से बनी कोई भी जो चीज़ होती है उसको अवॉइड करना है। वो जूते भी हो सकते हैं, पर्स हो सकता है, कोई वॉलेट है, कोई लेदर की जैकेट होगी, तो आपको चमड़ा जो है आज के दिन में नहीं खरीदना है, चमड़े से बनी कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी है। जिस तरीके से सोने या चांदी की धातुएं आप खरीद सकते हैं, उसी प्रकार आपको लोहे से बनी धातुएं आज के दिन नहीं खरीदनी होती हैं, आपको ये अवॉइड करनी चाहिए, बिल्कुल भी जो है वहाँ पर नहीं खरीदनी है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो आज आपके आप आज के दिन जो है आपको नहीं करना चाहिए, वो क्या है, आज के दिन किसी को भी पैसे उधार नहीं देने हैं, क्योंकि आज का जो दिन है वो धन के आगमन का दिन बताया गया है। तो अगर आज आप जो है अगर किसी को भी कोई पैसे देते हैं तो जनरली कहा जाता है कि वो पैसे वापस नहीं आते हैं, तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए इस बात को कि आपने आज के दिन जो है किसी को भी पैसे यहाँ पर उधार नहीं देने हैं। तो आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा कि क्या करना आपके लिए उचित है और क्या करना है अनुचित, क्या खरीद करके घर लाएंगे और किन चीज़ों को आपने करना है अवॉइड। थैंक यू।